हम लोग ने द्वितीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे, एषः एतौ। एषः का अर्थ क्या है? यह। और एतौ का अर्थ क्या है? ये दो। जहाँ एक लोग के लिए बोला जाता है, जहाँ एक चीज के लिए बोला जाता है, हम एषः का प्रयोग करते हैं। जहाँ दो चीज के लिए बोला जाता है, हम एतौ का प्रयोग करते हैं। तो देखो, एषः मयूरः, एषः मयूरः, ये कितना मोर है? एक मोर है ना, इसीलिए एषः का प्रयोग किया गया है। तो एषः मयूरः, मयूरः का अर्थ क्या है? मोर। तो एषः का अर्थ क्या है? यह, यह मोर है, यह मोर है, एक मोर है, इसीलिए एषः का प्रयोग किया गया। यहाँ देखो, एतौ मयूरौ, एतौ मयूरौ, यहाँ कितने मोर है? वन टू, दो मोर है, इसीलिए एतौ मयूरौ। एतौ का अर्थ क्या है? ये दो। ये दो क्या है? ये दो मोर है, ठीक है। फिर देखो, एषः सैनिकः, एषः सैनिकः, तो ये सैनिक है। ये कितने सैनिक है? एक सैनिक है, इसीलिए एषः का प्रयोग किया गया। तो एषः सैनिकः, एषः का अर्थ है यह, सैनिकः का अर्थ है सैनिक है, ये सैनिक है। फिर यहाँ देखो, एतौ सैनिकौ, एतौ सैनिकौ, ये कितने सैनिक है? वन टू, दो सैनिक है, इसीलिए एतौ का प्रयोग किया गया है। तो एतौ का अर्थ क्या है? ये दो। ये दो सैनिक है, सैनिकों का अर्थ है दो सैनिक, ठीक है, ये दो सैनिक है। फिर देखो, एषः सिंहः, एषः सिंहः, देखो सिंह का अर्थ क्या है? शेर, ठीक है। एषः का अर्थ क्या है? यह, यह शेर है, यह कितना शेर है? एक शेर है, तो इसीलिए एषः का प्रयोग किया गया। तो एषः सिंहः, यह शेर है। फिर देखो, एतौ सिंहौ, एतौ सिंहौ, ये कितने शेर है? वन टू, दो शेर है, इसीलिए एतौ का प्रयोग किया गया। तो एतौ सिंहौ, ये दो शेर हैं, ठीक है। फिर देखो, एषः नर्तकः, एषः नर्तकः, एषः का अर्थ क्या है? यह, नर्तकः का अर्थ क्या है? नाचने वाला व्यक्ति, यह एक नाचने वाला व्यक्ति, ठीक है। फिर एतौ नर्तकौ, एतौ नर्तकौ, ये कितने नर्तक है? वन टू, दो नर्तक है, इसीलिए एतौ नर्तकौ, ये दो नाचने वाले हैं, ठीक है। तो एतौ नर्तकौ।